Assalamualaikum. Hi dear friends, how are you? I hope you all are well. Myself Asmanju. We are starting our English spoken batch. Friends, हम हमारी English spoken batch की शुरुआत कर रहे हैं 10th of June से. Friends, जब भी हम English language की बात करते हैं हमारे सामने 3 question आ जाते हैं. तीन चीज़ें, तीन सवाल हमारे सामने आती है जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं. फर्स्ट रहता है, डू योर माइंड गो ब्लैंक व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश, कि जब भी आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं या बात करते हैं आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, आपको वोकैबुलरी प्रॉब्लम आ जाती है या आप सेंटेंस मेक नहीं कर पाते हैं, ऐसे कुछ होता है. ये एक आपके लिए क्वेश्चन. सेकेंड एक क्वेश्चन हमेशा आता है, डू यू अंडरस्टैंड वन समवन स्पीक टू यू इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि जब आपसे कोई इंग्लिश लैंग्वेज में बात करता है, स्पीक करता है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो क्या आप उसे समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं उसे कि वो क्या कह रहा है. थर्ड क्वेश्चन रहता है कि कैन यू स्पीक इन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल और इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड, कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर पाते हैं या नहीं. तो ये तीन क्वेश्चंस तो रहते ही है फ्रेंड, तो इनके आंसर क्या है, ऐसे क्यों होता है, ये क्वेश्चंस क्यों आते हैं. इनके आंसर है इन्वायरमेंट. अगर आपको इन्वायरमेंट ही नहीं मिल पा रहा है, अगर आपकी वोकैबुलरी भी है लेकिन आपको वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिल पा रहा जहाँ पे आप इंग्लिश में बात कर सके, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर सके, लैक ऑफ प्रैक्टिस, कि आपको प्रैक्टिस ही नहीं मिल पा रही, तो होता है वोकैबुलरी. आपकी अगर वोकैबुलरी कम है, वोकैबुलरी अगर आपकी ठीक नहीं है तब. तो ये तीन चीज़ों की वजह से आप इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छे से बोल नहीं पाते. हमारी जो बैच है उसमें हम क्या करने वाले हैं, इन चीज़ों पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं. कैसे, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम क्या क्या लेने वाले हैं, हाउ वी विल इम्प्रूव योर इंग्लिश, हम आपकी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करेंगे, हम क्या क्या चीज़ें लेंगे. तो हमारी एक्टिविटीज़ जो रहेंगी, सॉरी फ्रेंड्स, हमारी जो एक्टिविटी रहेंगी उसमें पहला है इंट्रोडक्शन. जैसे कि अगर हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, हम कैसे इंट्रोडक्शन करते हैं. हमारा एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, कि हम फॉर्मल इंट्रोडक्शन करते हैं, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन करते हैं. इसकी प्रैक्टिस हम क्लास में ही कराएंगे. कैसे होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल दो मेंबर हैं, दो लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फिर कोई थर्ड पर्सन का इंट्रोडक्शन देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपको सेंटेंस बोलती हूँ कि जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप फैमिली के बारे में बोलते हैं, कि आई हैव टू ब्रदर एंड टू सिस्टर. फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव टू ब्रदर एंड टू सिस्टर. तो अब हम इस तरह से नहीं बोलेंगे, अब हम कुछ न्यू करेंगे. जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, कुछ नया अच्छे से कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम वन एंड फोर सिबलिंग. कितना अच्छा लगेगा ये बोलने के लिए. तो इस तरह से हम जब प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड्स, जब हम बार बार रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हम फ्लुएंटली और वेरी कॉन्फिडेंटली हम बोल पाते हैं. अब लास्ट में अगर आप गुड नाइट ग्रीटिंग यूज़ करते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, तो ये हो गया पूरा ओल्ड फैशन, कि हम बोलते हैं गुड नाइट. अब हम बोलेंगे सेंड ऑफ, सेंड ऑफ. और देखिए बोलने का प्रोनंसिएशन कैसे, सेंड ऑफ, इस तरह से. डेमोंस्ट्रेशन हम लेंगे, आपको कोई थिंग्स दे दी जाएंगी, उस पर आपको बोलना रहेगा, सही बोलो गलत बोलो लेकिन बोलो. क्यों, क्योंकि हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना है. ग्रुप डिस्कशन लेंगे, मैनी टॉपिक रहेंगे ग्रुप डिस्कशन में, फनी रहेंगे, डिबेट, बी न्यूज़ एंकर आप बन जाएंगे, रोल प्ले रहेगा, डिफरेंट लैंग्वेज गेम लेंगे हम, लाइक एंड डिसलाइक पे डिस्कशन करेंगे. ये पूरा आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, आपको यहाँ पे बोलने का मौका मिलेगा. जब ये एक्टिविटीज़ लेते हैं हम तो आपको बोलने का मौका मिलता है, और हमें बोलना ही सीखना है कि हम कैसे बोलेंगे. और हमारे पास रहेंगी वोकैबुलरी. जितनी आपके पास वोकैबुलरी रहेंगी फ्रेंड्स, उतना अच्छा आप बोल सकेंगे. वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कमांड लेना चाह रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज पे. इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है कि नहीं, इंग्लिश हमारी फॉरेन लैंग्वेज है. जब हम फॉरेन लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमें वोकैबुलरी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. तो वोकैबुलरी पे जोर देंगे. ग्रामर, ग्रामर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
टू लर्न एनी फॉरेन लैंग्वेज एनी टारगेट लैंग्वेज. जब भी आप किसी न्यू लैंग्वेज को समझना चाहते हैं या उस पर कमांड हासिल करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें नहीं पता होता है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है. तो वो स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए, पैटर्न मालूम करने के लिए ग्रामर हमें समझना ही पड़ता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. फ्रेजेस, फ्रेजेस जब भी हम डेली लाइफ में बात करते हैं तो फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. फॉर एग्जांपल, नॉर्मली हम घर में क्या बोलते हैं किसी को, जैसे कि आपको किसी को बोलना है कि आप अपनी शर्ट पहन लो, तो हम क्या बोलेंगे, पुट ऑन योर शर्ट, पुट ऑन योर शर्ट, पुट ऑन योर शर्ट. तो ये पुट ऑन हम ऐसे फ्रेजेस यूज़ करेंगे जब हम डेली लाइफ में बात करते हैं, इंग्लिश में स्पीक करते हैं, तो हम कैसे फ्रेजेस को यूज़ करेंगे. तो फ्रेजेस की भी प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आप इजीली बात कर सको इंग्लिश में. अब यही एग्जांपल देख लीजिए, किसी को भी बोलना है आपको कि अपनी शर्ट पहन लीजिए या कुछ और पहनिए, अगर बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, पुट ऑन योर शर्ट, पुट ऑन योर टी शर्ट. और आपके बोलने में भी आपका स्ट्रेस, आपकी स्पीच, आप कहाँ पे जोर दे रहे हैं, कहाँ पे ठहर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. पुट ऑन योर शर्ट, पोलाइट, आपका जो प्रोनंसिएशन है ना वो भी काफ़ी पोलाइटली होना चाहिए. सबसे ज़्यादा फोकस और जो कराना है हमें वो है प्रोनंसिएशन पे. अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, तीन तरह से मैं पढ़ती हूँ इसे. एक अक्सर लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, कोई बोलेंगे प्रोनंसिएशन, लेकिन राइट वे है प्रोनंसिएशन, इसे बोलना चाहिए प्रोनंसिएशन, ये बहुत राइट है. अब बहुत से लोग बोलते हैं कमेंट, 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 कमेंट. अवर, बहुत लोगों से सुना है मैंने, अवर, अवर यानी हमारा, अवर, हमारा, तो इसे हम अवर नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे आर, आर. जैसे कि बोलना है कि बुक्स रखे हुए हैं कि दिस इज, दिस इज आर बुक, बुक. अगर आपको बोलना है ये हमारी किताब है या ये हमारी किताबें हैं, बुक्स, ये हमारी किताबें हैं, आपको ऐसे बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज आर बुक. ऐसे नहीं बोलेंगे, दिस इज आवर बुक नहीं बोलेंगे, कैसे आपका, कैसे आप उसको बोलेंगे, दिस इज आर बुक्स. तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा बोलने के लिए, सुनने के लिए, किसी को अगर इम्प्रेस करना है. प्रोनंसिएशन इज़ अ वेरी असेंशियल टूल टू इम्प्रेस एनी पर्सन. अगर आपका प्रोनंसिएशन बहुत अच्छा है तो आप इम्प्रेस कर सकते हैं किसी को भी. देखिए, दिस इज आवर बुक्स कॉमन है, दिस इज आर बुक्स, ये अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लगता है. डेली प्रैक्टिस, डेली इंट्रैक्शन दिया जाएगा आपको. फोनिक, फोनिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप फोनिक साउंड शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवेल्स के साथ समझ लेते हैं, आप किसी भी वर्ड को लिख सकते हैं, किसी भी वर्ड को आप पढ़ भी सकते हैं. अक्सर लोग स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, क्यों, क्योंकि फोनिक साउंड की वजह से, वो जो नॉलेज है ना फोनिक का, वो पूरा नहीं होने की वजह से, या फिर लिख नहीं पाते या पढ़ नहीं पाते, स्पेलिंग मिस्टेक करते, क्यों, क्योंकि वो फोनिक का नॉलेज ही नहीं है उनको, और ये बेसिक है. तो हमारी क्लास में हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, फोनिक भी लेंगे वहाँ पर कि कैसे हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जांपल ए है, ए का साउंड ना आप फोर तरह से ले सकते हैं, फोर टाइप से बनता है ए का, ए के साथ, ए वाई के साथ, ए आई के साथ, ए ई के साथ, इस तरह से फोर. अब यहाँ पे मैं पढ़ूँगी स्नेक, 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 ए, ए का साउंड, ए जो है कैसे आया, स्नेक. अब यहाँ पे ई देखिए, नेस्ट, 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 ई का साउंड, ई आ रहा क्या, नहीं, एक का साउंड आ रहा, ई भी यहाँ पे क्या साउंड ले रहा है, एक का, नेस्ट. अब यहाँ पे यू है, नट, अ, नट, अ, नट, यू का साउंड यू आ रहा है क्या, नहीं, अ, नट. तो जब आप ये फोनिक साउंड आप समझ जाते हैं ना लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल्स के साथ, आप किसी भी वर्ड को प्रोनंस कर सकते हैं, राइट लिख सकते हैं, उसे
पढ़ सकते हैं, या आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है लिखते टाइम। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, फोनिक साउंड, प्रोनंसिएशन, वोकैबलरी और इन्वायरमेंट। कैसा इन्वायरमेंट जहाँ आपको बोलने का मौका मिले, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है फ्रेंड। तो असर कोचिंग इंस्टीट्यूट से हमारे स्पोकन इंग्लिश की बैच स्टार्ट हो चुकी है 10 जून से। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पर और जो एक्स्ट्रा चीज़ है, सिर्फ फ्लुएंट इंग्लिश नहीं है, यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। करियर काउंसलिंग है, हम डिग्री ले रहे हैं, करियर काउंसलिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। करना क्या है आगे जाने के लिए, वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सा पाथ है जिसके थ्रू हम जाएंगे हमारे करियर की तरफ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पर्सनैलिटी आपकी कैसी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, करियर काउंसलिंग, सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।